ऑलराइट, तो मार्केट जो है पलट चुका है और अराउंड 1500 रुपए के प्रॉफिट में हम अभी चल रहे हैं। मैंने और एक लॉट जो है यहाँ पे शॉर्ट किया था, तो जब मुझे मौका मिला वापस से ऐड करना, मैं 65 पे लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, देखते क्या होता है। ऑलराइट, तो हमारा पोजीशन जो है यहाँ पे बन चुका है, एक ही लॉट अभी तक मैंने शॉर्ट किया है। इतनी भयंकर कैंडल बन गई है ना। और अच्छा हुआ मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ गया था। अगर मैं स्टॉप लॉस पे रखता जो स्टॉप लॉस एक्चुअल स्टॉप लॉस था। मॉर्निंग पीपल, क्या हाल चाल है? आई होप तुम बढ़िया कर रहे होगे अपने ट्रेडिंग में। आज है थर्सडे का दिन और प्री मार्केट जो है ऑलरेडी सेटल हो चुका है। मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो रही है। कहीं ना कहीं वीकनेस मेरे को लग रही है, नीचे साइड पे आना चाहता है मार्केट, क्योंकि देखो इतना बड़ा गैप बना दिया है तो वो गैप भी फिल करेगा। और जब भी गैप फिल होते हैं तो ये याद रखना कि गैप जो है बहुत फास्ट फिल होते हैं। तो काफी जो है बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के मार्केट गैप फिल करता है, तो ये कभी भी याद रखना जब भी तुम ट्रेडिंग करोगे गैप्स में। ये गैप क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, 1% जो है ऊपर खुला था कल मार्केट और उसको कल फिल भी नहीं किया था, तो कभी ना कभी वो फिल तो जरूर होगा। अगर वीकनेस दिखती भी है तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में तो नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए मेरा व्यू बुलिश ही रहने वाला है जब तक जो है मार्केट हमें कंफर्मेशन नहीं देता एक नीचे अच्छी क्लोजिंग पे। तो अभी भी कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम मार्केट में बरकरार है और वो रहेगा जब तक मार्केट जो है हमें क्लोजिंग नहीं दे देता एक अच्छे जोन के नीचे। फटाफट प्लान डिस्कस कर लेते हैं और शुरू करते हैं ये वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो मार्केट जो है ओपन हो चुका है और ओपन होते ही नीचे आ रहा है मार्केट, वो भी काफी तेजी से आ रहा है। तो देखते हैं कहाँ पे जाता है। यहाँ पे एक जोन है और इस जोन से अगर वो वापस से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, जैसे कि हम लोग ने कल भी बात किया था, अगर तुमने कल का वीडियो नहीं चेकआउट किया है तो ऊपर से जाके चेकआउट कर सकते हो, कार्ड वाले सेक्शन में जो है तुम्हें कल की वीडियो मिल जाएगी। कल भी हमने बात किया था कि अगर ये वाले जोन जो है ये जोन में आके एक सपोर्ट लेता है तो हम लोग जो है पुट शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। बट देखो यहाँ पे पुट शॉर्ट कल मैं करता भी तो भी कुछ रैली आई नहीं भाई, तो वहीं पे फ्लैट ही क्लोज हो जाता था जहां पे मैंने जो है यहाँ पे अगर पुट शॉर्ट करता मैं तो वहीं पे आके मार्केट वापस से क्लोज हो गया। तो नो प्रॉफिट नो लॉस में ही हम लोग जो है यहाँ पे क्लोज करना पड़ता था कल भी। मैं ये जोन पे नजर रखा हूँ कि ये जोन में अगर ये सपोर्ट ले लेता है मार्केट फर्स्ट कैंडल में या सेकेंड कैंडल में तो हम लोग पुट शॉर्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे वहां पे। ये रिस्की पोजीशन होगी जरूर, बट यहाँ पे हमें क्लियर डायरेक्शन तो मिल ही जाएगा कि हम सही है या गलत है। कैसे? देखो मार्केट को अगर हमें गलत करना है तो या तो ये जो है लो निकालना पड़ेगा उसको, अभी जो लो बना रहा है या नीचे आ भी जाता है और एक लो बनाता है एक वीक बनाता है, तो अगर उसको तोड़ देता है तो ये वैलिड ही नहीं होगा कि हम लोग बुलिश सोच रहे थे वो बुलिश मोमेंटम आएगा यहाँ से ये वाले जोन से, वो तो इनवैलिड हो जाएगा। राइट, तो वो एक बार इनवैलिड हो जाता है ना तो फिर सिंपल सी चीज ये रहती है कि भाई वो वाला वापस से ट्रेड मत करो, फिर उस साइड पे ट्रेड करने की कोशिश मत करो जब तक एक कंफर्मेशन नहीं मिलता हमें। तो ये एक बेस्ट चीज रहेगी यहाँ पे कि भाई एक बार अगर मैं अगर चांस लेता हूँ यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाने का, पुट शॉर्ट करने का या बुलिश साइड की पोजीशन बनाने का, तो भी मेरे को क्या दिक्कत आएगी भाई। अगर मेरा स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा। अगर नहीं कटा तो अच्छा खासा हमें जो है ऊपर साइड पे रैली मिल सकती है, अप साइड पर 100 200 300 पॉइंट की, तो एटलीस्ट 300 पॉइंट की तो रैली मिल ही सकती है ऊपर साइड पर। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ ये जगह सही है शॉर्ट करने के लिए। अगर हुआ तो गलत हो जाएंगे, यहाँ पे गलत हुआ तो कुछ ज्यादा जाएगा। और तो जैसे कि हमने सोचा था कि हम लोग पोजीशन जब ये जोन से जो है अगर एक रिजेक्शन लेना चालू कर दे फर्स्ट या सेकेंड कैंडल तो हम लोग जो है पोजीशन बनाने का प्लान करेंगे, और अभी जो है मैं वही कर रहा हूँ। यू नो ये वाली जो पुट है ठीक है 44,600 या 44,500 की पुट, इसमें से कोई भी एक जो है मैं शॉर्ट करना चाहूंगा। देखो अभी के लिए मैं 44,500 का सोच रहा हूँ क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक वगैरह आता भी है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी वो वाली पोजीशन में। अगर मैं 44,600 लेता हूँ ना तो थोड़ा सा हो सकता है कि वो ज्यादा मूव करे क्योंकि वो थोड़ा सा इन द मनी ज्यादा होता है। तो अभी 500 का सोच रहा हूँ और 500 नजदीक भी है तो हम लोग सेफ भी हो जाएंगे अगर 500 आज ही टच कर देता है। तो देखो 500 जो है यहाँ पे है तो 500 यहाँ से इसको मुश्किल नहीं होगी, 200 पॉइंट है बस, 200-300 पॉइंट आने में कुछ भी नहीं है इसके लिए मार्केट के लिए। तो इसी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छी पोजीशन मिल जाए, अभी जो है क्लोज होने के लिए आ चुका है ऑलरेडी तो हम लोग जो है पोजीशन बना देते हैं। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर जो है इसको लगाऊं, 65 वगैरह पे लगा देते हैं ना,
65 पे लगा देते हैं, अगर आता है प्राइस तो अच्छी बात है, है ना। मैं 65 पे लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, देखते क्या होता है। ऑलराइट, तो हमारा पोजीशन जो है यहाँ पे बन चुका है, एक ही लॉट अभी तक मैंने शॉर्ट किया है। देखते थोड़ा सा मार्केट जो है नीचे आ रहा है और यहाँ से पलटता है क्या करता है मार्केट, देखते हैं। थोड़ा बड़ी कैंडल बना भी रहा है, फिर भी हम लोग जो है यहाँ पे ग्रीन में चल रहे हैं अभी भी, है ना। पुल बैक लेता है तो अच्छी बात है, 100-200 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते क्या होता है, एक ही पोजीशन मैंने अभी तो शॉर्ट किया है, धीरे धीरे हम लोग पोजीशन ऐड करेंगे अगर हम लोग को सही लगता है तो, इन केस। देखो अभी भी मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बना रहा है वहां। अगर अच्छी ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम लोग और एक पोजीशन जो है ऐड कर देंगे इसके अंदर, है ना। फटाफट मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ अपना, 65 पे हम लोग ने खरीदा है तो मैं स्टॉप लॉस देख लेता हूँ कहाँ पे आएगा हमारा। 65 से 50 पॉइंट्स अगर लेते हैं इसके हिसाब से तो 115, चलो सही है, 416 तक लगा दिया हूँ मैंने यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा पुल बैक भी आता है, एक 5-10 मिनट इसको होल्ड कर लेने दो, फिर हम लोग जो है और एक दो पोजीशन जो है ऐड कर देंगे। देखो मैं बस क्या चाहता हूँ कि मैं सोचा था यहाँ पे अगर मैं पोजीशन बना दूँ क्लोजिंग पे तो फट से ये नीचे ना आ जाए एकदम यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी जगह रहती है और ये रिजेक्टेड कैंडल है। ये रिजेक्टेड कैंडल्स में क्या होता है मालूम, कि दूसरी कैंडल वापस से आती है और बहुत फास्ट आती है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है ये कि हम लोग पूरी पोजीशन ले लेते ना यहीं पे, बहुत फास्ट नीचे आता है और फटाक से जो है स्टॉप लॉस हिट करने लग जाता है। अभी देखो हम लोग को 70 रुपये का यहाँ पे 100 रुपये का लॉस हो रहा है, थोड़ी देर पहले 100 रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने छोटी पोजीशन बनाई है यहाँ पे, समझ रहे हो। देखो काफी तेजी से नीचे आ रहा है मार्केट, यही कारण है कि मैं ज्यादा पोजीशन एक साथ नहीं बनाता हूँ कि हम लोग अगर गलत भी हो गए तो यू नो छोटे में गलत हो जाएंगे। तो एक बार जो है नीचे आने का इसका मन भर जाता है ना मार्केट का, फिर जाके जो है हम लोग ऐड करना चालू करेंगे वापस से जब मार्केट पलटता है तो ऐसे टाइम के लिए ही मैं छोटी छोटी पहले पोजीशन बनाता हूँ, बाद में ऐड करने का स्टार्ट करता हूँ अपने पोजीशन को। अभी जो हम लोग 100 रुपए के लॉस में चल रहे हैं, और एक पोजीशन ऐड करने मिलता है तो जरूर मैं ऐड करूंगा। लेट सी क्या होता है, लेट सी सेकंड कैंडल क्या करता है और उस हिसाब से हम लोग जो है आगे की प्लानिंग करेंगे। तो अभी के लिए ये पोजीशन है लाइव हम लोग ने बनाई है, इसी कारण मैं जो है डायरेक्ट पोजीशन कभी भी नहीं बनाता हूं। देखो कितना फास्ट आ रहा है और हमारा ऑप्शन भी कितना फास्ट ऊपर साइड पर मूव कर रहा है, तो जितना आता है आने दो, एक ही लॉट पे हमें जो है लॉस होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। अगर पलटता है मार्केट तो हम लोग जो है पोजीशन ऐड करेंगे। ऑलराइट, तो मार्केट जो है पलट चुका है और अराउंड 1500 रुपए के प्रॉफिट में हम अभी चल रहे हैं। मैंने और एक लॉट जो है यहाँ पे शॉर्ट किया था, तो जब मुझे मौका मिला वापस से ऐड करने का पोजीशन तो मैंने एक लॉट और एक ऐड कर दिया था वहां पे, और अच्छे से हमारे साइड पे जो है मार्केट मूव कर रहा है और निफ्टी भी आज जो है भाग रहा है अच्छे पॉइंट से। मैं निफ्टी भी तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि निफ्टी कैसा भाग रहा है आज के दिन। तो भाई ये देखो निफ्टी क्या भागा है आज के दिन, निफ्टी जो है हमें अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है, तो क्या डरने की बात है भाई, बैंक निफ्टी भी भागेगा ही साथ ही साथ। और हमारा चल रहा है अभी 1700 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। 50 पॉइंट ही अभी मूव किया है, अराउंड 100 पॉइंट मूव होता है तब जाके कहीं पे हम लोग को यू नो सेफ होंगे हम लोग। तो मैं जो भी रहेगा अपडेट कर दूंगा तुम लोग को, अभी जो पोजिशन चल रही है ये चल रही है भाई मेरे। तो अभी जो मार्केट का हाल चल रहा है वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। मेरा प्रॉफिट जो है अभी 1700 के 1600 के अराउंड चल रहा है, और ये प्रॉफिट जो है 3000 तक भी पहुंचा था पहले। काफी तेजी से जो है मार्केट नीचे आ चुका है और वहां पे आके साइडवेज हो गया है मार्केट, तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ स्क्रीन पे चलते फटाफट। तो देखो जैसे ही हम लोग ने यहाँ पे शॉर्ट किया था, ये वाले एरिया में पुट शॉर्ट किया था, तो मार्केट जो है अच्छा खासा ऊपर साइड पे रैली किया था और ये वाली कैंडल काफ़ी अच्छी बड़ी कैंडल आ गई थी, और जैसे ही ये बड़ी कैंडल आई उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल मार दिया यहाँ पे। जब चल रहा था मार्केट टॉप पे तब हमारा 3000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था। अभी जो हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है वो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। तो अभी जो हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है वो है 1600 रुपए का चल रहा है। तो मैंने जो है कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ गया अपना स्टॉप लॉस, अगर ये यहाँ से पलट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस कट जाएगा, क्योंकि यार अभी होल्ड करके मतलब नहीं है। आना था रैली तो अभी 2 बज गए ऑलरेडी, ठीक है। रैली आनी थी तो यहाँ से एक पुल बैक होके फिर यहाँ से ही पलट जाएगा मार्केट, नहीं तो कोई मतलब नहीं है भाई यहाँ पे वेट करके कि ये वापस आएगा फिर जाएगा। तो ये हम लोग अगर आज यही सोचेंगे कि भाई आज ही आ जाएगा यहाँ पे आके फिर ऊपर चले जाएगा, तो वो मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएगा भाई। मार्केट
ऐसे तो वर्क नहीं करता। यहाँ से अगर पुल बैक कर लेता है या ये एरिया से भी पुल बैक कर लेता है और अपने हाई को टच कर लेता है तो भी ठीक है, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद फिर जा रहा है तो कोई मतलब नहीं है होल्ड करके, क्योंकि ऑलरेडी 2 बज रहे हैं, अभी जो है 2 बजने आ चुके हैं इस वजह से। तो एक्चुअली सीन ऐसा हो गया था कि मैं सो गया था कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के, और जब मैं उठ के देखा 3 बजे तो इतनी भयंकर कैंडल बन गई है ना, और अच्छा हुआ मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ गया था। अगर मैं स्टॉप लॉस पे रखता, जो स्टॉप लॉस एक्चुअल स्टॉप लॉस था वो जाके हिट कर गया है और मार्केट उसके भी थोड़ा सा ऊपर चले गया था। तो अभी चलते हैं स्क्रीन पे और देखते क्या हुआ है यहाँ पे और क्या करना चाहता है अभी मार्केट और कल का प्लान क्या हो सकता है, अगर इफ पॉसिबल अभी बना लेते थोड़ा सा एक मैं तुम लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि क्या कल का कैसा प्लान रहेगा। तो देखो भाई यहाँ पे सबसे पहली चीज ये 44,400 जो लेवल है, ठीक है, वो लेवल के नीचे आना नहीं चाहता मार्केट, ये सिंपली यहाँ पे दिख तो रहा है। 2 बार रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे और 1 बार रेजिस्टेंस लिया है, मतलब 3 बार यहाँ पे जो है मार्केट रेजिस्ट कर रहा है। और एक चीज यहाँ पे नोटिस करो तुम लोग कि एक कैंडल ने पूरा दिन, ठीक है, पूरा दिन को कवर कर दिया है। और मैं सुबह में भी यही बात कर रहा था तुम्हारे साथ कि भाई गैप जब फिल होते हैं, वैसे तो गैप पूरा नहीं फिल हुआ है इसमें, बट थोड़ा बहुत गैप यहाँ पे फिल जो हुआ है वो कभी भी बड़ी कैंडल के साथ करता है मार्केट और काफी जो है फास्ट मूव आती है वो टाइम पर। तो यही इसी चीज की मैं बात कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि जब मैंने पोजीशन बनाया, जब वो रिजेक्टेड कैंडल बनी उसके बाद शायद ऐसी कैंडल आ सकती थी, इसी वजह से मैंने क्वांटिटी भी वो टाइम पे कम रखा था। बट जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला कैंडल जब बना तो यहाँ पे रिजेक्ट होके ये ऊपर गया, तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे सोच रहा था कि ये ऊपर जाने के बाद शायद ऐसी कैंडल बना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक डबल टॉप पैटर्न भी बना है यहाँ पे तुम देखोगे तो। मेरा प्लान क्या होने वाला है, हो सकता है मे बी यहाँ पे ये सेलिंग जोन स्टार्ट कर रहा है अभी, ठीक है, बियरिश जोन तो नहीं बोलेंगे कि बियरिश हो गया है मार्केट, बट हाँ कहीं ना कहीं सेल का हम लोग जो है प्लानिंग कर सकते हैं सेलिंग करने का। इतना एग्रेसिवली हम लोग नहीं करेंगे, मे बी हो सकता है कल गैप डाउन हो, देखो कल मार्केट गैप डाउन हो सकता है, एक चीज ये तो है, ठीक है, फ्लैट कहीं ना कहीं ओपन तो नहीं होगा, तो यहाँ यहाँ कहीं पे तो ओपन हो सकता है मार्केट। तो अगर ऊपर यहाँ पे कहीं पे खुलता है तो हो सकता है कि मार्केट जो है रेजिस्ट करके फिर नीचे आ जाए, गैप डाउन होता है तो फिर कुछ प्लान बनाएंगे। देखो कल है ना, हम लोग को ट्राई करना पड़ेगा सेल करके और फिर देखना पड़ेगा कि भाई सेलिंग में जा रहा है कि नहीं मार्केट, नहीं तो हमारा जो बुलिश चल रहा था जो सेंटीमेंट था वही चलने दो। क्योंकि मैं क्यों बियरिश जोन पे बोल रहा हूँ, देखो एक चीज ये है, इतनी बड़ी कैंडल, मतलब एक कैंडल ने पूरा दिन खा गया है ना, तो उससे समझ जाओ कि कहीं ना कहीं बियरिश जोन आ सकता है। तो तुम भी कमेंट करके जरूर बता सकते हो अपना व्यू क्या है मार्केट को लेके, कमेंट में जाके लिखो भाई कि तुम क्या सोच रहे हो कि अभी मार्केट कहाँ पे जा सकता है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Bawa yeah.